हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ फूड स्टेप। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त यूसुफ हुसैन कातिब, और आपको खुशामदीद कहता हूं एक और न्यू और एक्साइटिंग वीडियो में। आज हम मौजूद हैं मेन तारिक रोड पर, और तारिक रोड पर जो फूड कार्ट, जो फूड जॉइंट एक्सप्लोर करने वाले हैं उसका नाम है इम्पीरियल चाइनीज। बहुत ही कमाल की स्टोरी है, जो ओनर है उनका बहुत ही वाइड एक्सपीरियंस है, और मैंने जब पर्सनली उनकी कहानी का ओवरव्यू सुना तो मैं बड़ा इम्प्रेस हुआ। आपके साथ भी शेयर करूंगा क्या कहानी है, क्या सक्सेस स्टोरी है, तो इस वीडियो में हमारे साथ रहिएगा। आइए आगाज करते हैं। तो बस अब हम अंदर जाते हैं और देखते हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। ये देखें जी, अच्छा इसके ऊपर से आना पड़ेगा। तो हम अंदर आ चुके हैं इम्पीरियल के, और मेरे साथ मौजूद हैं अब्बास भाई। अब्बास भाई कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र। अच्छा, स्टोरी जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, हम इनसे ही पूछेंगे। तो अब्बास भाई बताएं कि आपका जो पास्ट है वो क्या है। सबसे पहले जो मैं चाइनीज रेस्टोरेंट में काम किया, बोर्ड ऑफिस में चाइनीज रेस्टोरेंट 1986 में वहाँ शुरू किया। 1986 में जी वहाँ का हेड कुक था, ये बोर्ड ऑफिस गोल्डन गेट पे एक चाइनीज रेस्टोरेंट था। नहीं है रेस्टोरेंट वहाँ से मैं डिफेंस मीनकॉट चाइनीज रेस्टोरेंट चला गया। अच्छा। वहाँ का हेड शेफ था, ओपन भी मैंने ही करा था वो रेस्टोरेंट। अच्छा। डिफेंस में है मीनकॉट चाइनीज रेस्टोरेंट। उसके बाद जो है ना मैं तारक रोड आ गया 98 पे, और 14 साल मैंने ये इम्पीरियल फोर्ट है ये तारक रोड पे वो मैंने ओपन करा, वो चलाया मैंने। अच्छा। वहाँ का हेड शेफ था, जबरदस्त। फिर जो है ना जिनसर चला गया, जिनसर 2-3 ब्रांच में मैंने काम किया हुआ है, वहाँ का हेड शेफ था। उसके बाद लॉकडाउन लग चुका था, लॉकडाउन में जो है ना मैं सोचा कोई अपना ठिया लगाऊं। हाँ। फिर मैंने सूप लगाया था। अच्छा, तो ये सूप आपने कब लगाया था? सूप मैंने लगाया था तकरीबन 2 साल हो चुका है, लॉकडाउन पे लगाया था। अच्छा। जब सूप लगाया, सूप तो चलने लगा, फिर गर्मी जब आ गया, गर्मी में अभी क्या करूँ, फिर मैंने सूप बंद किया हुआ, चाइनीज खाना मैंने इसमें डाल दिया था। और अच्छा। माशाल्लाह चाइनीज खाना जब से डाला अभी 2 साल हो चुका है, और दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं। अच्छा, मैं बताता आपको चलूँ कि इस वक्त कराची में जितने भी नामी ग्रामी चाइनीज रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं, जिनका नाम है मार्केट में, उन सब जगह ये अपनी सर्विसेज दे चुके हैं, और इनके शागिर्द इस वक्त अच्छे खासे पे रोल्स पर बड़े बड़े चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, काम कर रहे हैं, शेफ्स हैं, हेड शेफ्स हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इतनी जगह काम करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, ये आइडिया कैसे आया कि यार मैं सब जगह जॉब छोड़ के एक अपना काम शुरू करता हूँ? ये आइडिया सर लॉकडाउन पे आ चुका था, लॉकडाउन में काफ़ी रेस्टोरेंट बंद हो चुका था। हाँ। फिर जो ना मैंने सोचा ये कोई सूप का ठिया में लगा लूँ, और सूप तो बहुत चलने लगा यहाँ पे। अच्छा, तो अभी भी आप सर्दियों में सूप लगाते हैं? सर्दियों में सूप, जबरदस्त इंशाल्लाह। और जितने भी रेस्टोरेंट यहाँ पे कराची में है, तकरीबन 5-6 बड़े बड़े नामी ग्रामी रेस्टोरेंट, उसमें मेरे शागिर्द काम कर रहे हैं, 3-4 लाख रुपया लेके सैलरी और काम कर रहे हैं। लेकिन बस आप ये जो फिगर ये बता रहे हैं ना 3-4 लाख रुपये, ये सुन के आपने घबराना नहीं है, क्योंकि महल के साए में जो झोंपड़ी होती है ना, वो झोंपड़ी ही होती है, और अपना महल अपना महल होता है। तो भले वो छोटा हो, इनका अपना सेटअप है, भले जैसा भी है लेकिन अपना है। तो आप मुझे बताएं कि आपका मेन्यू क्या क्या है यहाँ पर? मुझे तो बड़े अलग अलग रंगीन किस्म के आइटम नज़र आ रहे हैं। सर मेरे पास चिकन चिली ड्राई है, चिकन मंचूरियन है, शेजवान चिकन है, चिकन चाउमीन है, फिर क्या नाम है गार्लिक चिकन है, चिकन चिली ग्रेवी है, फिर डायनामाइट सबसे ज़्यादा हमारा यहाँ पर चलता है, फ्राइड डायनामाइट चिकन। अच्छा। राइस के साथ जबरदस्त टेम्पुरा प्रॉन है, क्रिस्पी प्रॉन है, फिर जो है ना हमारा पास ये क्या नाम है फिश है मुश्का। अच्छा, ये भी बहुत चलता है, चाउमीन है, डायनामाइट चाउमीन। तो फिश मुश्का जो आप वो फ्राइड देते हैं? जी जी फ्राई, जबरदस्त जबरदस्त। जी सर ड्राई चिली राइस के साथ अभी 350 में हम दे रहे हैं, डायनामाइट चिकन राइस के साथ 400 का दे रहे हैं। आप प्राइसेस देखें कितनी रीज़नेबल हैं, और इतनी सारी चीज़ें अब्बास भाई ने गिनवा दी हैं कि मैं तो, मुझे तो नाम याद भी नहीं रहा। एक बड़ा वाइड सा और बहुत लंबा चौड़ा मेन्यू है चाइनीज़ के अंदर ही। और पहले तो मैं क्लास भी दे रहा था चाइनीज़ का। अच्छा। ये मसाला चैनल पे जो शिरीन आपा आती है, शिरीन अनवर। शिरीन अनवर जी जी जी, घर पे 3 साल मैंने क्लास भी दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। मैंने लोगों को, मैंने ARY पे भी, वहाँ भी मैंने 2-3 दफ़ा मैंने काम किया। तो अभी भी आप सिखाते हैं कोई अगर सीखना चाहे? क्योंकि हैं 2-3 लोग मेरे रास्ते में जो चाइनीज़ सीखने के बड़े ख्वाहिशमंद हैं। तो फैसला ये हुआ है कि हम फ्राई डायनामाइट चिकन और एक मिक्स प्लेट जो इनकी स्पेशल मिक्स प्लेट है वो ट्राई करेंगे। तो हम अब यहीं पर कलर पे ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ लाइट का बड़ा इशू है, आसपास का सारा एरिया डार्क हो रहा है और यहीं पर लाइट जल रही है। तो हमने सोचा कि यहाँ ट्राई करते हैं, उसके 2 फायदे हैं, एक तो लाइट भी है, दूसरा अब्बास भाई भी खड़े हैं, वो भी सारी चीज़ों से गाइड करते रहेंगे। तो ये देखें, ये जो है ये इनकी मिक्स प्लेट है, ये मिक्स प्लेट आ गई है। गार्लिक चिकन है, ड्राई चिली है, गार्लिक चिकन है, इसमें ड्राइड चिली है, और क्या मंचूरियन मंचूरियन है,
जबरदस्त। और नीचे फ्राइड राइस है और ये दूसरी आ गई डायनामाइट चिकन। डायनामाइट चिकन इसमें कौन सा सॉस डला हुआ है? डायनामाइट सॉस है राइस है और चिकन है दो पीस। जबरदस्त जबरदस्त, ये डायनामाइट सॉस है इसमें राइस है और दो पीस चिकन के। मिक्स प्लेट को ट्राई करेंगे। ये देखें ये यहाँ पर जो है चिली ड्राई है और ये इनका जो है ना मंचूरियन प्लस फ्राइड राइस। सबसे पहले मैं यही ट्राई करूँगा। जो मंचूरियन का सॉस है वो बहुत ही फ्लेवरफुल है और जैसे उसके कलर्स हैं वैसे ही उसका टेस्ट भी बड़ा टेंगी सा है। और इसके बाद जो है हम दूसरी बारी में ट्राई करेंगे ये चिकन चिली ड्राई। ये देखें अच्छा चिकन चिली ड्राई का फ्लेवर वैसा नहीं है जैसे आप यूजुअली फूड जॉइंट्स में रेस्टोरेंट्स में खाते हैं, बल्कि इसमें ऑथेंटिक चाइनीज टच आ रहा है। अच्छा बाज भाई ये क्या है? मंचूरियन है, ये गार्लिक चिकन है। अच्छा ये तीसरी साइड जो है ये गार्लिक चिकन है, तो हम थोड़े से राइस लेकर उसके साथ गार्लिक चिकन मिक्स करके ट्राई करेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन तीनों चीज़ों में मुझे सबसे ज़्यादा फ्लेवर पसंद आया वो गार्लिक चिकन का पसंद आया, क्योंकि उसका बड़ा ज़बरदस्त निकलता हुआ खिरता हुआ जायका है। इस तरह के छोटे से फूड कार्ट में इतने ज़बरदस्त ऑथेंटिक चाइनीज टेस्ट होना बहुत ज़बरदस्त। अब हम बढ़ेंगे डायनामाइट चिकन की तरफ। ये है डायनामाइट चिकन जिसके ऊपर फ्राइड चिकन है और नीचे फ्राइड राइस है और इसके ऊपर डायनामाइट सॉस और थोड़ा सा यहाँ मंचूरियन डाला हुआ है। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि चिकन को हाथ से ही तोड़ के दिखाऊँ आपको। बहुत टेंडर चिकन है और उसके ऊपर क्रिस्पी क्रम्स की लेयर है और डायनामाइट सॉस। चिकन जो है वो अंदर से बहुत जूसी हो रही है और उसके ऊपर जो डायनामाइट सॉस है उसका फ्लेवर बहुत ही निकलता हुआ और टेंगी सा खट्टा सा फ्लेवर है। अब एक बाइट जो है वो हम राइस के साथ ट्राई करेंगे क्योंकि इन्होंने राइस साथ सर्व किए हैं तो उसका कोई मकसद होगा। अच्छा ऐसा नहीं है कि जो उसकी टॉपिंग जैसे उनका फ्लेवर है, बल्कि फ्राइड राइस जो है वो भी बड़ी ज़बरदस्त क्वालिटी के बने हुए हैं और उसके जो माइल्ड से स्पाइसेस हैं पेपर सॉल्ट वगैरह बहुत ज़बरदस्त। सो इट्स बीन हाफ एन आवर मैं इसको खाए जा रहा हूँ बट ये ख़त्म नहीं हो रहा। एक प्लेट तो मैंने रख ही दी है क्योंकि इतनी ह्यूज क्वांटिटी है और मैं अकेला इसे ख़त्म नहीं कर सकता। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, हमारी आज की वीडियो। हम इंपीरियल पर आए थे और आपके साथ सारी स्टोरी शेयर करी, रिव्यू भी दिया फूड का। लोकेशन में एक दफ़ा आपके साथ फिर शेयर कर देता हूँ। तारिक रोड पर आप बिल्कुल सीधा आएंगे, जाहिद निहारी के बिल्कुल अपोजिट गली में ये मौजूद है, कोने पर ये बिल्कुल आपको रोड से नज़र आ जाएगा। और अगर आप 8:30 बजे के बाद रात में आएंगे तो जाहिर है रश इतना होगा कि आपको जगह वैसी नज़र आ जाएगी। तो ये था हमारा आज का व्लॉग, हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आपसे विनती है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, ये मुझे शिकायत है। और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली अच्छी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो आप तक बर वक्त बआसानी पहुँच सके।